सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज हम सीखेंगे कि हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही, हम इसको कैसे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और बहुत ही आसान है इसको चेक करना। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे ये होगा कि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैग्नेट कनेक्टर है आपने देखा ही होगा, अक्सर आउटडोर यूनिट में ये लगाया जाता है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं सही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आउटडोर यूनिट में तो आप फौरी इसको आसानी से टेस्ट कर सकेंगे कि ये सही है या नहीं सही। तो ये जो है मैग्नेट कॉन्टैक्टर, ये सिंगल पोल वाला है, आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट यहां पर है और एक ही यहां पर। एक डबल पोल वाला भी होता है, ये दो पोल है इसके साथ, सिंगल पोल है इसके साथ ही एक एक और इन्होंने ऑप्शन दी होगी। तो ये बहुत ही आसान है इसको चेक करना। अब यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको चार कनेक्शन इसमें देखने को मिलेंगे, एक इस तरफ, यानी कि चारों साइडों पर एक एक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हमने वो दो बस कनेक्शन ट्रेस करने हैं। जो कनेक्शन है हमारे यहाँ पर, आपको पता होगा कि शायद यहाँ पर वाइंडिंग होती है, यहाँ पर कॉइल होता है, हमने सिर्फ कॉइल के पॉइंट ट्रेस करने हैं। तो कॉइल के पॉइंट बिल्कुल ये है एक और ये है एक। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं, आप सिंपल अपने मीटर को वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको कंटिन्यू बताए कि आपका सर्किट बन रहा है या नहीं, और साथ में आप रेजिस्टेंस भी यहीं पर चेक कर सकें। तो यहाँ पर अब सिंपल मैंने कॉइल टेस्ट करनी है इसकी, सबसे पहले कि कॉइल इसकी सही है या नहीं सही, मैंने सबसे पहले इसकी कॉइल को टेस्ट करना है। अब यहाँ पर मैं कॉइल को जो टेस्ट करने लगा हूँ तो आप देखेंगे कंटिन्यू मुझे बता रहा है। अब कॉइल है जहाँ पर, ये मैं दो पहले चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर हमें कंटिन्यू या रेजिस्टेंस, जी हाँ यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है हमें मिल रही है, यानी कि कंटिन्यू यहाँ पर हमें मिल रही है। अब ये दो जो पॉइंट है मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये कॉइल की है, वैसे देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कॉइल के ऊपर जो भी पॉइंट है वो कॉइल के ही हैं। ये दो पॉइंट दिए हैं कि हम दो वायरें यहाँ से आगे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, पॉइंट एक ही है, आप देख सकते हैं कि ये अटैच है। इसी तरह ये चार पॉइंट है लेकिन अटैच है आपस में, यानी कि एक ही कनेक्शन है, पॉइंट चार है कनेक्शन, ये एक है, ये एक है और ये भी एक एक है। अब यहाँ पर न्यूट्रल ये है, फेस ये है, यानी कि यहाँ पर हमने न्यूट्रल फेस देनी है। यहाँ पर 220 हम वोल्टेज देंगे तो फिर हमें पता चलेगा ये सही है कि नहीं सही। अब यहाँ पर मुझे इसकी कॉइल जो है उसकी कंटिन्यू मिल गई, आपने देखा इसकी जो कॉइल की कंटिन्यू है वो मुझे मिल गई। इसका मतलब ये कि इसका जो कॉइल है वो एकदम परफेक्ट है, वो ठीक है, कॉइल की कंटिन्यू बन रही है, यानी कि वो ठीक है। अगर कंटिन्यू ना बने तो इस सूरत में आपका कॉन्टैक्टर जो है ये ख़राब होगा। अब कंटिन्यू मिल रही है तो यहाँ पर कंटिन्यू अभी नहीं मिल रही। ये जो सर्किट है, ये सर्किट यहाँ से करंट पासिंग करने के लिए है, यानी कि यहाँ पर अगर आपने फेस दिया है तो जैसे इसको न्यूट्रल फेस मिले, ये ऑन हो तो यहाँ से करंट आपका यहाँ पर आ जाए। अब हमारा कॉइल ठीक है, यानी कि इस सूरत में हमारा ये कंटेक्टर अभी ठीक है, लेकिन अभी भी हमने इसको चेक करना है कि इसको चलाने के बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कंटिन्यू बन रही नहीं बन रही, बिल्कुल भी इस यहाँ पर कंटिन्यू नहीं बन रही। इसको चलाने के बाद हमने यहाँ पर टेस्ट करना है, अगर कंटिन्यू बनेगी हमारा ये कॉइल भी ठीक और कंटिन्यू भी यहाँ पर भी बना रहा है ऑन करने के बाद, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अगर हमारा कॉइल चलने के बाद कंटिन्यू नहीं बनाएगा तो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ख़राब होगा, या हमारा कॉइल ही यहाँ पर हमें सर्किट नहीं देगा, कॉइल ही ऑन नहीं होगा, तब भी हमारा जो है कॉन्टैक्टर ये ख़राब होगा। अभी कॉइल इसका ठीक है, अब हमने ये सिर्फ चेक करना है कि यहाँ से कंटिन्यू जो भी है यहाँ पर कंटिन्यू हमें चाहिए, अभी नहीं बन रही, तो अगर कंटिन्यू बनेगी तो ये फिर ही ठीक होगा। तो चलिए यहाँ पर सिंपल एक मैं एक्स्ट्रा वायर ले लेता हूँ, ये है मेरे पास एक्स्ट्रा वायर जिसको सिंपल मैं इसके ऊपर
यहाँ पर एक कॉइल की एक साइड पर और एक कॉइल की एक साइड पर, यानी कि न्यूट्रल और फेस मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको साउंड भी सुनाई देगा, टक इस तरह कुछ आपको साउंड भी सुनाई देगा। तो चलिए मैं इस वायर को जो है मैं इसको अभी ऑन करता हूँ और उसके बाद हम इसकी कंटिन्यू जो है वो चेक करेंगे। तो मैं इसको अभी ऑन कर लेता हूँ। जी हाँ, आपने देखा कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन हमने सिर्फ अभी इसकी कंटिन्यू जो है वो टेस्ट करनी है। जी हाँ, ये चल रहा है, अभी सिर्फ इसकी हमने जो कंटिन्यू है वो टेस्ट करनी है। तो अब मैं इसको ऑन करूंगा और फौरी इसकी कंटिन्यू जो है वो टेस्ट करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंटिन्यू आ रही है या नहीं आ रही। जी हाँ, तो यहाँ पर इसकी कंटिन्यू आपने देखा, मैं जैसे ही अटैच करता था तो कंटिन्यू बनती थी, जैसे ही उसको मैं साइड पर करता था तो कंटिन्यू नहीं बनती थी। तो जी हाँ, बहुत ही आसान है ये, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि इसको सिंपल। अब मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करूंगा कि हमने कैसे टेस्ट किया। अभी ये बिल्कुल यानी कि ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये काम कर सकता है और ये काम कर भी रहा है। आपने देखा यहाँ पर हमने इसका जो कॉइल है वो टेस्ट किया मीटर के जरिए से, इसकी कंटिन्यू बन रही है कि नहीं बन रही। तो कंटिन्यू जो है वो इसकी बन रही थी, तो यानी कि कॉइल इसका ठीक। अब कॉइल के बाद हमने इसको ऑन करके जब टेस्ट किया, अब फिर उसके ऑन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू बननी चाहिए थी, तो वो भी आपने देखा कि बनी। अगर ना बनती तो ये ख़राब होना था, अगर कॉइल का सर्किट ना बनता तब भी ये ख़राब होना था। लेकिन अगर कॉइल का सर्किट बनता उसके बावजूद यहाँ पर ऑन करने के बाद ना सर्किट बनता अगर फिर भी ये ख़राब होना था, क्योंकि कॉइल चल रहा है, यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमने टेस्ट किया, कॉइल जब चला तो इसने करंट यहाँ से यहाँ पास किया, यानी कि कंटिन्यू यहाँ पर हमने अभी टेस्ट की तो वो कंटिन्यू यहाँ पर जारी थी। तो यानी कि इस सूरत में ये बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा कि ये सही है या नहीं सही, और इसको कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आपके सामने हमने प्रैक्टिकल करके अभी टेस्ट किया, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए। आप लाइक यार इतने नहीं करते, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आप भी इस चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।